आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सत्ता में विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी और उपभोक्ता के बीच जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि एक दूसरे पर लठ बरसाए गए। घटना सतना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पावर हाउस कार्यालय की है। पावर हाउस चौक स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में उपभोक्ता और विद्युत विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। विद्युत विभाग के कर्मचारी मजीद और उपभोक्ता दादूलाल यादव के बीच बिजली कनेक्शन काटने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के शरीर में चोटें आई हैं। आपको बता दें कि उपभोक्ता दादूलाल का लगभग 27,000 रुपए बिजली बिल बकाया है, जिसकी वसूली के लिए बीते दिनों विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उपभोक्ता के घर महादेवा गए हुए थे, जहां उपभोक्ता और कर्मचारियों अधिकारियों के बीच विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई थी और उपभोक्ता की बिजली भी काट दी गई थी। इसी बात से नाराज होकर उपभोक्ता आज अपने अन्य साथियों के साथ विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचा और मारपीट हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मारपीट गाली गलौज कर रहा था, मारपीट किया था दादूलाल का लड़का भाई, ये दो लोग आए थे मारपीट। कहाँ से मारपीट किए हैं? राड से। क्या क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं आप? ग्रुप बिजली विभाग में एमपी आउटसोर्स एम्प्लाई हूँ। तो आप बिजली विभाग आकर उन्होंने मारपीट की? कल परसों ये लोग हम लोगों के साथ मारपीट किए थे, परसों भी किए, जिसकी सूचना सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट कराए। फिर उसका कल कनेक्शन कटवा दिए साहब लोग, पैसा मांगी था, तो आज ये आया बिल जमा करने। गाली गलौज कर रहा था मिश्रा जी के साथ में, बीच बचाव कर रहे थे कि गाली वाली ना दो। लगभग कितने लोगों ने मारपीट की है? पाँच छः लोग थे वो लोग, साथ दो तीन लोग थे। नहीं, पाँच छः लोग रहे। हाँ हाँ, नीचे रहे। क्या नाम है आपका? मजीद मोहम्मद।